प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है, फिर भी इसका इस्तेमाल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को जानते हुए भी लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से बच नहीं पाते, लेकिन अब वेस्ट प्लास्टिक को उपयोग में लाया जाएगा। पर्यावरण के लिए अभिशाप कहे जाने वाले प्लास्टिक कचरे से अब डीजल तैयार किया जाएगा। इसके लिए IIP देहरादून में पहली प्रायोगिक व्यवसायिक यूनिट की शुरुआत की गई है। प्रदेश के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले इस प्लांट का उद्घाटन किया। 1 टन प्रतिदिन की क्षमता के इस प्लांट में 800 लीटर डीजल तैयार किया जाएगा। 1 टन कैपेसिटी का आज एक प्लांट, जो वर्षों की सफलता पूर्वक की गई रिसर्च के परिणाम स्वरूप देहरादून के IIP के कैंपस में लगाया गया है। 1 टन यानी 1000 किलो प्लास्टिक वेस्ट से 800 लीटर डीजल बनाना और ऐसा प्लांट जो स्केल अप होकर 10 टन या उससे ज्यादा भी ले जाया जा सकता है। प्लास्टिक से बड़े पैमाने पर डीजल का उत्पादन होगा। इस प्लांट से देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। पहले छोटे पैमाने पे अभी भी वो लैब है हमारे पास, जहाँ पे हम दैनिक 10 किलो डाल के लगभग 8 लीटर निकालते थे, मगर जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, जितना डीजल हम इससे बना रहे हैं उतना कम डीजल हमें आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि हर क्रूड ऑयल के बैरल से 25-30% डीजल निकलता है। तब सोचिए हमारे देश में जितना प्लास्टिक पड़ा होगा, उससे हम डीजल बनाएंगे तो हमारा क्रूड ऑयल के आयात पे एक घात पड़ेगी ना, और हमारा CO2 एमिशन पे भी एक असर पड़ेगा, CO2 एमिशन उतना कम हो जाएगा क्योंकि वही चीज को हम रिसाइकल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्लांट में एक बार में 800 लीटर डीजल बनाने की क्षमता है और आने वाले दिनों में देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे। वेस्ट प्लास्टिक के इस्तेमाल में आने पर पर्यावरण भी साफ सुथरा रहेगा। देहरादून से R9 TV के लिए प्रतीक की रिपोर्ट।